नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आजकल के प्रचलन को देखते हुए लोग इन दिनों गुरु बना लेते हैं और समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में गुरु क्या है और किसे बनाया जाना चाहिए। इस कारण उनके साथ धोखा होता है। असली गुरु वो है जो तरह तरह के उपाय जैसे स्टोन पहनना या कुछ और बताने का काम नहीं करते। असली गुरु की पहचान करना ही मुश्किल है, और जब इनकी पहचान हो जाती है तो जीवन में आध्यात्मिक अनुभव घटित होने लगते हैं। दोस्तों, एक कहावत है, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका अर्थ है, ईश्वर का भजन करने आए थे, सांसारिक मोह माया और आनंद का मजा लेने लगे। ऐसे ही होते हैं ढोंगी बाबा, या कहे कि भोगी बाबा। इनका ईश्वर से ना के बराबर लगाव होता है, जबकि पाखंड और आडंबर अधिक होता है। देखा जाए तो प्राचीन काल से ही कई बाबा साधु महाराज इस धरती पर आए हैं जो अपने अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, लोगों के कष्टों का निवारण करते हैं। लेकिन ऐसे बाबा बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों आज का युग कलयुग है। आज के युग में सतयुग वाले महापुरुष मिल जाना असंभव सी बात लगती है। साथ ही जब किसी बाबा को प्रसिद्धि मिलने लगती है तो ऐसे बाबा इन धर्म कर्म के कामों को एक बिजनेस बना लेते हैं, लोगों के साथ विश्वासघात होता है। लेकिन दोस्तों, आज के टाइम में भी एक ऐसे बाबा है जो निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने में लगे हुए। इनके दरबार में जो कोई भी जाता है, ये उसके मन की बात पहले ही जान लेते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्री बालाजी बागेश्वर महाराज की, जिनकी चर्चा केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैली हुई है। भारत के अलावा भी इन्होंने विदेशों में अपना दरबार सजाया हुआ है। बागेश्वर बाबा जो अपने कड़क अंदाज में बोलना शुरू करते हैं तो भक्त अपने आप ही आस्था में लीन हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग रोना पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सब चीजों के पीछे सच्चाई क्या है, और आखिर क्यों लोग बाबा के सामने आते ही सब कुछ भूल जाते हैं? क्या सच में बागेश्वर धाम के पास दिव्य शक्तियां हैं, या फिर इनका असली चेहरा कुछ और ही है? पुलिस ने सारी बातें जनता के सामने लाकर खड़ी कर दी हैं। ऐसे में इतने कम समय में बागेश्वर बाबा ने इतनी ज्यादा प्रसिद्धि कैसे हासिल करी, और इनकी शक्तियों की क्या सच्चाई है? क्या वाकई में इनके अंदर शक्तियां हैं, या ये सब कुछ पाखंड है? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। इनका जन्म छतरपुर के छोटे से गांव घड़ा में हुआ था। इनका जन्म बहुत ही गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन गरीबी के आलम में अपना बचपन गुजारने के बावजूद आज धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी बड़े बड़े अरबपतियों को भी अपने दरबार में झुकाने की शक्ति रखते हैं। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी हनुमान जी के परम भक्त हैं, और 12 साल की छोटी सी उम्र से ही इन्होंने बालाजी यानी के हनुमान जी की सेवा शुरू कर दी थी। इनका पूरा ध्यान भगवान की सेवा में ही लगा रहता था। और दोस्तों, सालों तक किसी तरह तपस्या करने के बाद धीरेन्द्र कृष्ण स्वामी को कुछ ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई, जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उनकी परेशानियां समझ जाते हैं और उसे एक पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा ये तक समझ जाते हैं कि आप सच कह रहे हैं या फिर नहीं। इनके द्वारा लिखा एक एक शब्द शत प्रतिशत सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि आज तक कोई भी इन्हें झूठा साबित नहीं कर पाया। असल में होता यह है कि जिस किसी की भी अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या फिर उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार सपने में बंदर दिखाई देते हैं। और ये कोई मन की बनाई बात नहीं है दोस्तों, जिन सब की अर्जियां लग रही हैं उन सब ने इस बात को स्वीकार किया है। हालांकि मीडिया वालों को कहां लोगों की बातों पर विश्वास होता है, वो तो सब कुछ अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। इसी चक्कर में बहुत से ऐसे मीडिया वाले हैं जो भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं ये देखने के लिए कि इनके दरबार में होता क्या है। लेकिन जब मीडिया वाले दरबार में गए तो ये देखकर हक्के बक्के रह गए कि बागेश्वर बाबा ने उन्हें पहचान लिया था और उनकी पोल लोगों के सामने खोल दी। इस पूरे इंसिडेंट को देखने के बाद मीडिया वाले भी बालाजी सरकार के सामने नतमस्तक हो गए। जैसे ही ये बात लोगों के सामने आई, हर कोई ये देखकर दंग रह गया कि कैसे एक जवान बाबा ने बड़े बड़े सबके कान काट रखे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री दोस्तों कहते हैं कि उन्होंने बालाजी महाराज की मदद से अब तक लाखों लोगों की जिंदगी संवारी है। बागेश्वर धाम सरकार की कृपा अपरंपार है, तभी तो जो कोई भी इनके दरबार में जाता है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ को बालाजी महाराज जरूर पूरा करते हैं, इसीलिए उनके दरबार में भक्तों का तांता लगा ही रहता है। हर कोई बस एक ही मनोकामना करता
लगता है कि कैसे भी करके मेरी अर्जी लग जाए और बागेश्वर सरकार उसे खुद अपने पास बुलाएं। वैसे देखा जाए तो दोस्तों बहुत ही कम लोगों को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बैग स्टोरी पता है। असल में इनके दादाजी भी बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे और वो भी अपने दरबार सजाकर लोगों के कष्टों को दूर करते थे। हालांकि उनका दरबार छोटा होता था लेकिन उनके अंदर मौजूद दिव्य शक्तियां काफी ज्यादा प्रबल थीं। इसीलिए कोई भी उनके दरबार से निराश होकर नहीं जाता था और वहीं से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी बालाजी की तपस्या करनी शुरू की। धीरे धीरे ये हनुमान जी के परम भक्त बन गए, परंतु इनके दादाजी की मृत्यु के बाद दरबार सूना सा हो गया, जिसके बाद लोगों ने धीरेन्द्र शास्त्री से दरबार से जाने के लिए कहा। शुरुआत में उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो इस तरह की चीजें नहीं करना चाहते थे और सिर्फ बालाजी महाराज की भक्ति करना चाहते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर की शक्तियां बढ़ने लगी, वे लोगों की बातें पहचानने लगे और एक टाइम ऐसा आया जब उनके अंदर भी अपने दादाजी की तरह ही दिव्य शक्तियां आ गई और अपनी शक्तियों की वजह से गाँव में रहने वाला एक साधारण बालक आज पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों 12 साल की छोटी सी उम्र में जहां बच्चे अपने घर का पता भी नहीं बता पाते, उस उम्र में ये दिन भर हनुमान चालीसा का पाठ किया करते थे और नियंत्रण जाप ने इनकी बुद्धि को इतना ज्यादा प्रबल बना दिया कि आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन्हें लोगों की बात को समझने में रत्ती भर भी समय नहीं लगता और ये जो कुछ भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है जिसका सच होना तय है। और इसीलिए एक या दो नहीं बल्कि इसके कई सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इनके दरबार में आया हुआ हर भक्त सच्चे मन से आया हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग अपनी बुरी नीयत को पूरा करने के लिए भगवान का सहारा चुन लेते हैं और जब इनके दरबार में ऐसा कोई इंसान आता है तो ये दूर से ही उन्हें पहचान कर उनके मन की गंदगी को लोगों के सामने साफ जाहिर करते हैं ताकि कोई भी ईश्वर के दरबार में बुरी नीयत के साथ ना आए। बागेश्वर धाम का इतिहास दोस्तों काफी पुराना है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर चांदेल कालीन है और 1986 में ग्राम वासियों के द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया था। उसी दौरान ग्रामगढ़ा के बाबा सेतुलाल चित्रकूट से शिक्षा लेकर अपने गांव के प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। पहले तो इन्होंने राम कथा करी और फिर ये झाड़ फूंक का काम भी करने लगे जो हर लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियों को अपनी एक फटकार से भगा देते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर इनके दरबार में आता है वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता है। दोस्तों हर मंगलवार को लगने वाला दिव्य दरबार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। लोग अर्जी लगाने के बाद यहाँ के टोकन्स को खरीदते हैं और नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ इस मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर अर्जी लगाने के लिए लोगों की लाइन लंबी होती है और उसके बाद बागेश्वर धाम के दरबार में जाकर धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन भी सुनते हैं। इसीलिए चाहे पुलिस हो या फिर मीडिया, कोई भी ये नहीं कह सकता कि बागेश्वर धाम पाखंड है, यहाँ पर लोगों के साथ फ्रॉड होता है, बल्कि लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ यहाँ आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते। आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।